हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक बार फिर कंप्यूटर के बारे में होगा और हम बताएंगे आपको कि कंप्यूटर में आप क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो होगा वो होगा एक्सेल के बारे में। एक्सेल में आप किस तरह से काम कर सकते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं एक्सेल के अंदर जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम चालू करते हैं वीडियो और आपको एक एक करके बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने एक लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर एक्सेल का प्रोग्राम कहाँ पर होता है स्टार्ट से मैं बताऊँगा आपको। ये देखिए आपके सामने पूरी स्क्रीन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट बटन में जाइए, यहाँ पे देखिए नीचे एरो का बटन है, वहाँ पे जा करके आप इसको थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाइए और यहाँ पे आपको पूरे प्रोग्राम दिखेंगे जिसमें से आपको देखना है एक्सेल। यहाँ पे वैसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, तो सबके बारे में तो जानना मुश्किल है, लेकिन एक एक सब्जेक्ट आपको सिखाते जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास दो है एक्सेल के वर्जन, एक 2007 का है और दूसरा 2013 का वर्जन है। तो हम 2013 में काम करेंगे जो सबसे लेटेस्ट होता है। 2013 पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप किस तरह से ऑटो सम कर सकते हैं। कोई भी आप कंप्यूटर में अगर अकाउंट का या ऐसा कुछ काम करते हैं उसके अंदर ऑटो सम आपको आना बहुत ज़रूरी है। ऑटो सम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा जैसे 1000, फिर आपका कुछ आगे 1200, फिर आगे 1500, इस तरह से आप कुछ काम करते हैं तो साथ में उसके अंदर ऐसा एक फॉर्मूला डाल दीजिए जिसे आप ऑटोमेटिक टोटल कर सकें और साथ में उसके जैसा अगला पैराग्राफ भी उसी तरह से लिखता जाए नीचे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 500 लिखता हूँ तो ये यहाँ पे इसकी टोटल आनी चाहिए, वो टोटल नहीं आ रही है, तो अब ये टोटल यहाँ पे आने चाहिए। कुछ ऐसा फॉर्मूला सेट कर लीजिए कि अगर आप जहाँ तक यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल हो जानी चाहिए। जैसे आप कुछ अगर गवर्नमेंट का काम करते हैं TDS, TCS, GST वगैरह वगैरह कुछ भी, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ आप उसके अंदर कुछ भी दूसरा भी अगर कुछ बनाते हैं फाइल फॉर्मेट तो उसके अंदर भी ये बहुत ज़रूरी है। सो अभी मैंने यहाँ पे जैसे 500 लिखा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा बराबर का निशान करके। आप किस किस को टोटल करना चाहते हैं या किस किस को गुणा करना चाहते हैं, किसके अंदर से क्या माइनस करना चाहते हैं, किसी का भाग देना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आपको करने के लिए इसी का ही उपयोग करना होगा बराबर का। फिर आपको प्लस सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए E4 का बटन है, E4 का मतलब हुआ ये ई वाली लाइन है और ये चौथा सेल है E4, तो इस दोनों का क्रॉस में यहाँ पे ये हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब मेरे को यहाँ पे प्लस का बटन दबाना है, जैसे मैंने यहाँ प्लस का कर दिया और प्लस आ गया। अब कौन सा सेल सेलेक्ट करना है तो एरो की सहायता से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये कौन सा हुआ E4 प्लस D4, यानी कि E का ये 4 लाइन प्लस D का 4, तो कुल मिला के ये दोनों अब इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे ये देखिए एंटर का बटन है, मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए आप 1500। अब ये तो हो गया एक सिंपल सा, लेकिन इसको आपको जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आगे भी इस तरह से ऑटोमेटिक टोटल हो जानी चाहिए, बार बार ये करने की ज़रूरत ना हो। इसलिए आपको क्या करना है कि माउस की सहायता से या फिर ये जैसे माउस, तो इसका आप कॉपी कर लीजिए, इस पर आप राइट क्लिक कर लीजिए या फिर ऊपर से आप कॉपी लिखा वहाँ पे भी कॉपी जाके कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे आके जैसे राइट क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे लिखा कॉपी, तो इस कॉपी को आप ऐसे करके नीचे तक ऐसे पकड़ के छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे एंटर दे दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक टोटल होती जाएगी। अगर आप इसके अंदर कुछ बदलाव भी करते हैं तो बदलाव भी होता जाएगा, जैसे यहाँ पे अभी 1200 लिखा है तो 1200 क्यों लिखा है कि क्योंकि यहाँ पे 1200 ही है। अगर यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1300 हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ ये देखिए आगे वाला बदलता जाएगा। जैसे यहाँ पे 150 लिखता हूँ तो 1650 हो जाएगा, 1500 लिखता हूँ 1200 लिखता हूँ तो आगे वाला 3000 हो जाएगा, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये एक प्रकार का ऑटोसम हो गया, इसको बोलते हैं ऑटोसम। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटो, ये ऑटो, वहाँ पे जाकर के भी इसको कर सकते हैं, इसको ऑटोसम कहते हैं। इसी तरह से आप माइनस प्लस का फॉर्मूला भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2000 लिखता हूँ और फिर मेरे को यहाँ पे 1000 लिखना है, ठीक है, तो अब ये हो गया।
लेकिन यहाँ पे ऑटो माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे ये बराबर का निशान करना है, जैसे कि बराबर। अब इसमें से ये घटाना है, तो इसको करके इस 2000 पे मुझे ला करके, जैसे यहाँ पे लिखा है I4, यानी कि ये I का बटन है और ये 4 लाइन में, इसलिए I, तो माइनस ये वाला, तो अब ये आ जाएगा, देख लीजिए 1000। तो इसी तरह से अगर मैं इसको कॉपी करके फिर से यूँ कर दूँ, तो ये अपने आप चलता जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, इसलिए 0 0 आता जाएगा। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 500, आगे वाले में जैसे लिखता हूँ 100, तो इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से ये एक एक फॉर्मूला है जो आपको आना बहुत ज़रूरी है, उससे आप आसानी से सीख सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे सीखे। तो मैंने आपको लाइव डेमो करके बताने की कोशिश की कि आप कुछ इस तरह से कंप्यूटर के अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ है वो जान सकते हैं। इसी तरह से आप इसके अंदर दूसरे अगर फॉर्मूले बताए जाए, तो मैं आपको बता दूं, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप कुछ यहाँ पे लिखते भी हैं, जैसे कुछ आप अगर ब्लॉग लिखते हैं वेबसाइट के लिए, या फिर कोई मेल करते हैं, तो वो सब भी आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपको कहीं, जैसे मैं आपको दूसरे वर्ड में भी जाकर के बताना चाहूँगा, तो आप देख लीजिए। फिर से मैं स्टार्ट में जाऊँगा, स्टार्ट में जाने के बाद फिर से मैं नीचे की ओर ले जाऊँगा इस जगह पे, देखिए, तो ये पूरा प्रोग्राम आ जाते हैं। और फिर मैं इसको ऐसे स्लाइड करता हूँ, तो यहाँ पे सब माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम आ जाते हैं। इसमें से अगर आप एक भी सीख जाते हैं, तो आपके लिए भविष्य काफ़ी अच्छा और आसान हो सकता है। तो मैं यहाँ पे वर्ड में लिखता हूँ 2013 का, मैं ज़्यादा एक साथ में आपको समझाऊंगा तो मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आगे अपलोड कर लेता हूँ, तो आप ये देख लीजिए वीडियो कैसा लगा, ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए नए देखते रहिए, हम ये एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट की ये सीरीज चलाते रहेंगे, और आपको रोज़ एक आध वीडियो आपको देते रहेंगे, ठीक है।